Speaker Sahab, call attention notice number 83 of 2019. Will the Honorable Minister for Health soon may please to give answer statement on the reasons why 20 dialysis machines sit idle at Chandka Medical College Hospital, Larkana. Sir, Chandka Hospital, Larkana, Joke. Please order in the house. Sir, Chandka Hospital, Larkana, Joke, Sin ke bade tertiary care hospitals mein se ek hospital hai. Sir, yahan pe jo renal department hai, wahan pe dialysis patients jo aa rahe hain, unko kaafi problems ka samna hai. Kyunki sir, jo 20 machines hain, wo pichle takriban 2 saal se store mein padi hain aur installation ke install nahi hui abhi tak. Aur jo sir functional machines hain wahan pe 14, jinmein se 4 HIV patients ke liye, 3 hepatitis patients ke liye aur 5 other patients ke liye. उनमें से भी काफी जो है खराब रहती हैं क्योंकि वहां पे जो आरओ वाटर है जो मेंटेन के लिए जरूरी होता है आरओ सिस्टम ना होने की वजह से आरओ वाटर की जो है शॉर्टेज है जिसकी वजह से उनको मेंटेनेंस का सामना है 6 से 7 मशीन्स जो फंक्शनल 14 है उनमें से खराब होती हैं सर टोटल जो है यहां पे 250 पेशेंट रजिस्टर्ड है डायलिसिस के लिए जो कि एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से भी काफी यहां पे आते हैं डायलिसिस के लिए जिनमें से इस वक्त जो ये फंक्शनल मशीन्स हैं उन वो सिर्फ 40 पेशेंट्स को जो है वो डायलिसिस प्रोवाइड कर सक रही हैं सर यहां पे जो डायलिसिस हो रही है वहां पे जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा एक डायलिसिस पेशेंट के लिए 4 घंटे की कम से कम डायलिसिस होना जरूरी है पर यहां पे जल्दी से मतलब 1.5 से 2 घंटे में डायलिसिस हो जाती है जिसकी वजह से इंप्योरिटीज और बढ़ जाती हैं और प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे नेफ्रोलॉजिस्ट की भी जरूरत है जो ट्रेन नेफ्रोलॉजिस्ट हैं क्वालिफाइड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनको बढ़ाने की भी जरूरत है और सर यहां पे जो डेली ओपीडी है वहां पे जो पुराने 250 पेशेंट्स हैं उनके अलावा जो डेली की ओपीडी में भी तकरीबन जो है 3 से 4 पेशेंट्स जो है डेली के हिसाब से जो रेनल फेलियर के डायग्नोस होते हैं तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो 20 डायलिसिस की मशीनें जो पिछले 2 साल से स्टोर में हैं और आरओ सिस्टम जो है इंस्टॉल नहीं हो रहा उनको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल किया जाए और डायलिसिस मशीन को इंस्टॉल किया जाए ताकि जो फुल कैपेसिटी पे चल सके और जो है जो 250 पेशेंट्स हैं उनको डायलिसिस प्रोवाइड किया जा सके थैंक यू थैंक यू आईड लाइक टू appreciate that Dr. Sanjay has pointed out in the right direction. 38 dialysis machines हैं जो पुरानी हैं, उनमें से 12 working order में हैं और 15 जो हैं non-working हैं, they are not working. जिसमें से 5 repair के लिए गई हुई हैं, इंशाल्लाह वो repair होके वो भी लग जाएंगी, बाकी 10 irreparable हैं, उनको हम replace करेंगे. 11 हमारी जो है, वो manufacturer से बात चल रही है, उसको जो है वो आरओ प्लांट जो है प्रोसेस में है वो आरओ प्लांट खरीद के ये 11 के लिए क्योंकि सेपरेट ऑर्डर इन द हाउस आप लोग बैठ जाएं अपनी सीट्स पे ये क्योंकि नई मशीनें हैं इनके लिए सेपरेट आरओ प्लांट की जरूरत है तो ये 11 मशीनें जब वो सेपरेट आरओ प्लांट भी आ जाएगा तो ये इंशाल्लाह लग जाएंगी और वह अनकरीब इस महीने ही लग जाएंगी आई अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज दैट द पेशेंट्स आर फेसिंग बिकॉज ऑफ डायलिसिस एंड द हेवी लोड बट आई डोंट अग्री दैट के 2 घंटे में खत्म कर देते हैं इसका साइकिल ही 4 घंटे का होता है डायलिसिस का तो 4 घंटे के अलावा वो ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते तो वो बिल्कुल बाकायदा तरीके से 4 घंटे के लिए चलती है एक मशीन एचआईवी के लिए और एक हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए मुख्तस है तो 2 मशीनें हैं जो सेपरेट हैं और इनको मशीनों को बिटवीन डायलिसिस वॉश भी किया जाता है ऑब्वियसली 24 आवर्स ये चल रही हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम मशीनें हैं वी नीड टू इंक्रीज द नंबर्स हमने रिक्वेस्ट भी की हुई है क्योंकि सेंट्रल कमेटी प्रोक्योरमेंट करती हैं वो उन्हें रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि मजीद हमें डायलिसिस मशीन्स की ज़रूरत होगी बल्कि ये 11 तो इंशाल्लाह लग ही जाएंगी इसी महीने थैंक यू जी